Good morning, students. Today I am going to start the mind map of chapter 15, that is money. We need money to buy eatables, to pay school fees, to purchase tickets, and to do many other things. In other words, the buying or selling process revolves mainly around money. The Indian currency, that is notes and coins, already you have learned in previous class. Now I show one note here, that is the रुपी 200 रुपी नोट. ये हमारा 200 रुपी का नोट है. इसी तरीके से हमारा 100 रुपी नोट होता है, 500 रुपी नोट है, 50 रुपी नोट है, 20 रुपी नोट है, 1000 रुपी नोट है, 500 रुपी नोट है. और कॉइन स्टूडेंट्स इस तरीके से होता है, कॉइन की शेप ये होती है. यहाँ पे जैसे लिखा होता है 1 रुपी कॉइन है, इसी तरीके से यहाँ पे जैसे 2 रुपी कॉइन है तो 2 रुपी लिखा होगा, 5 रुपी कॉइन है तो 5 लिखा होगा. अभी 10 रुपी कॉइन भी आया है, दैट इज द 10 रुपी कॉइन. आप इस तरीके से 10 लिखा है तो 10 रुपी कॉइन होगा. तो कॉइन की शेप ये होती है. और नोट अभी आपने आपको दिखाया 200 रुपी नोट दिखाया, इस तरीके से ये 200 रुपी का नोट है. ऐसे ही बाकी सब नोट भी बनाते हैं, पर यहाँ पे जैसे 200 लिखा हुआ है तो जैसे 100 रुपी नोट है तो वहाँ पे इसमें 100 लिखा होगा, 20 रुपी नोट है तो 20 लिखा होगा, 10 रुपी नोट है तो 10 लिखा होगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कितना रुपी नोट दिया हुआ है. नाउ स्टूडेंट यू सी दिस इज अ माइंड मैप. The figure of the mind map. This is the main topic, chapter name, and these are the subtopics. That is, first is writing money. How we write the money? In two ways, that is in words or in figures. In figures, we write, that is, this is the symbol of rupee. ये रुपी का सिंबल होता है. एंड वी राइट हियर 23.30. इन फिगर्स वी कैन राइट द रुपीज इन दिस फॉर्म, और इन वर्ड्स वी कैन राइट रुपीज 23.13 पैसे. मीन्स इसकी स्पेलिंग लिख देंगे वो वर्ड्स में हो जाएगा, और फिगर्स में इस तरीके से लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट शो हो रही है वो हमारी पैसे में, और उससे पहले जो डिजिट है लिखी हुई है वो हमें रुपीस में शो हो रही है. क्लियर? Now there comes conversion of money. Now how you convert rupees into money and rupees into paise and paise into rupees. You know the relation, that is 1 rupee is equals to 100 paise. Rupees bigger and paise smaller. So if you convert rupee into paise, then multiply by 100. If you convert paise into rupees, then divide it by 100. Now comes to addition and subtraction of money. Addition or subtraction of money, बिल्कुल वैसे ही हम addition or subtraction करते हैं जैसे हम ordinary addition or subtraction करते हैं. बस यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट के बाद जो डिजिट है
तो पॉइंट नेक्स्ट डिजिट लिखते वक्त पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट आना चाहिए और उसके बाद वो नेक्स्ट डिजिट आना चाहिए। मीन्स कि जो हमारा पैसे में है वो पॉइंट के बाद आता है और जो रुपीस में है वो पॉइंट के पहले आता है। और जब हमें इस तरीके से दो नंबर्स गिवन है जैसे 23.10 एंड 40.10, तो अब हम इसको एडिशन में कैसे अरेंज करेंगे, पहले हम लिखेंगे 23.10 और इसी के नीचे से लिखेंगे 40.10। तो ये डेसिमल पॉइंट के नीचे हमारा क्या आया है, डेसिमल पॉइंट आया है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इस डेसिमल पॉइंट के नीचे हमारा डेसिमल पॉइंट है और मीन्स कि इसके बाद ये हमारे पैसे में शो हो रहा है, तो पैसे के नीचे पैसे और रुपीस के नीचे रुपीस। अब इनको हम सिंपल जैसे ऐड करते हैं, पैसे ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 20, फिर ये डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा 63.20। तो इसको ऐड करने पे जो हमारा आंसर आया वो आया 63.20। इसी तरीके से माइनस भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखा। जब इसका अगर हम इसी सम का माइनस करें तो सबसे पहले हमें ये बिगर वाला नंबर लिखना पड़ेगा, दैट इज 40.10 माइनस 23.10, फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी में भी सिंपल हमें कोई भी नंबर गिवन है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल 23.20 इस मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। सबसे पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसके डेसिमल पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे राइट से 2 डिजिट नंबर पहले लगा हुआ है यहाँ पे डेसिमल, तो यहाँ हमारे आंसर में भी 2 डिजिट पहले हम यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही सेम हम डिवाइड भी सेम करेंगे, बस डेसिमल पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आए। तो दिस इज द माइंड मैप, सो यू गो थ्रू दिस एंड अंडरस्टैंड।